चारधाम यात्रा को सुरक्षित और आरामदेह बनाने के लिए बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसी कड़ी में केदारनाथ धाम को रोपवे सेवा से जोड़ने की तैयारी है। समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर 11.5 किलोमीटर लंबा रोपवे उत्तराखंड के चार धामों में से एक केदारनाथ धाम में बनेगा। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे दुनिया का सबसे लंबा रोपवे होगा। रोपवे हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को यात्रा करवाने में सक्षम होगा। जिस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को पूरा दिन लगना पड़ता था, अब वह सिर्फ एक घंटे में पूरा हो सकेगा। इसको उत्तराखंड के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले इस रोपवे को गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक बनाया जाना था, लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट को गौरीकुंड की जगह सोनप्रयाग से शुरू करने का फैसला किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु रोपवे का लाभ उठा सकें। फिलहाल गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक श्रद्धालुओं को 100 किलोमीटर तक का सफ़र करना होता है, जिसमें करीब पूरा दिन लग जाता है। धाम के लिए 16 किलोमीटर का ट्रैकिंग रोड गौरीकुंड से शुरू होता है, जबकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी वाहन से 8 किलोमीटर की है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे बनेगा तो ये सफ़र सिर्फ एक घंटे में तय हो सकेगा। रोपवे प्रतिदिन 8 घंटे चलेगा, इसमें 2,000 श्रद्धालु प्रति घंटे सफ़र कर सकेंगे। इस रोपवे का रूट में सोनप्रयाग, गौरीकुंड, जंगल चट्टी, भीमबाली, रामबाड़ा, घिनूरपानी, गरुड़ चट्टी, घोड़ा पांडव कवर करते हुए केदारनाथ तक पहुँचेगा। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1,000 करोड़ रुपये है, जो कि बढ़ सकती है। इस रोपवे से 11 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में तय होगी। इस समय दुनिया का सबसे लंबा रोपवे मैक्सिको शहर में स्थित है, जिसे केबल बस 2 के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई 10 किलोमीटर है। केदारनाथ रोपवे जब तैयार होगा तो इससे करीब 1 किलोमीटर लंबा होगा।